नगर निगम शिमला के पार्षदों ने निगम के मासिक हाउस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ना करवाकर ओपन हाउस करवाने की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं। पार्षदों ने महापौर से मुलाकात कर ओपन हाउस करवाने की मांग की। नगर निगम शिमला के पार्षद मासिक सदन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने की बजाय ओपन हाउस करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कोरोना काल के दौरान हाउस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही करने की हिदायत दी थी। कोरोना काल में संक्रमण ना फैले, इस वजह से ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब पार्षद ओपन हाउस करवाने की मांग पर अड़ गए हैं। इसको लेकर सोमवार को पार्षदों ने महापौर सत्या कौंडल से भी मुलाकात की। इंजन घर की पार्षद आरती चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों को अपने चुने हुए पार्षदों से काफी उम्मीदें हैं और लोग कोरोना काल में राहत की आस में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 5 माह से मासिक सदन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ और इस वजह से कई मुद्दे पारित नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलने की उन्हें भी चिंता है। सामाजिक दूरी व मास्क पहनकर ओपन हाउस आयोजित किया जा सकता है। आज हम कुछ काउंसलर्स हमारे ऑनरेबल मेयर सत्या गोंडल जी से मिले हैं और हमारी मांग यही उनके समक्ष थी कि जो हाउस हो रहा है वो फिजिकल होना चाहिए, वर्चुअल हाउस नहीं होना चाहिए। पिछले 4-5 महीनों से वर्चुअल हाउस हो रहा है। हम मानते हैं कि कोरोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है स्टेट में, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके कोई और जगह चुनी जाए और वहाँ हमारा हाउस हुआ जाए होए। इस बार का हाउस हो सकता था पर हो नहीं पाया, तो हमारी यही मांग है कि फिजिकल हाउस हो। जनता को हमसे बहुत उम्मीद है, वो 4-5 महीने से वेट कर रहे हैं कि कब कूड़े के शुल्क माफ़ हों। कोरोना काल में लोगों की इनकम नहीं हुई थी और होटल इंडस्ट्री वालों को उम्मीद है कि टैक्स माफ़ किया जाए। और भी बहुत ज़्यादा मुद्दे हाउस में पारित होने थे। हाउस में मुद्दे तभी पारित होते हैं सभी की सहमति से, 2/3 बहुमत, और वो पास नहीं हो पा रहे हैं। अब आप देखेंगे लोगों को हजारों के बिल थमा दिए गए हैं कईयों को, उसमें जो सेस को लेकर 30% वाटर, अगर आपका 5,000 बिल आता है तो 30% सेस टैक्स होता है, तो वो हमने एजेंडा में लाने थे आइटम कि उसको भी थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि बहुत 40-40 हज़ार बिल में अगर आप 30% सेस ही जोड़ेंगे तो वो भी हमारा एक था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि फिजिकल हाउस नहीं हो रहा है, कुछ एजेंडे पास नहीं हो रहे हैं। देखिए आश्वासन हमारे को ये कहा है कि नेक्स्ट टाइम हम फिजिकल हाउस बुलाएंगे और जो उसमें आना चाहें वो आ सकते हैं, जो नहीं आना चाहे वो नहीं आ सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा समक्ष में आपके थ्रू मीडिया के थ्रू ये लाना चाहूँगी लोगों के कि इस वजह से हम पारित नहीं कर पा रहे थे कि जो ऑफिसर आता है वो डायरेक्ट आके जैसे क्वेश्चन पेपर है उसकी तरह वो रीड करते हैं और नेक्स्ट एजेंडे पे चल जाते हैं। हम उसमें अपने आप को डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जनता ने हमें चुना है, इसी वजह से उन्होंने हमारे को वोट दिए कि हम उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके। और जो एक पार्षद की आवाज़ होती है, एक जनता की आवाज़ होती है और मीडिया के थ्रू आवाज़ होती है, मीडिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हाल ही में तीसरे 3-4 महीने से ऐसा भी देखा गया है कि मीडिया को हाउस से दूर रखा जा रहा है और आगे भी ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया हाउस से दूर रहेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमारी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुंचेगी अगर मीडिया एक पार्ट नहीं होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस का। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।